साबर समाचार में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर, कोलकाता पुलिस ने क्रिप्टो धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस ने क्रिप्टो धोखाधड़ी के आरोप में उत्तर प्रदेश के एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम कलीम अहमद है। कलकत्ता के निवासियों से साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से चोरी किए गए पैसे सीधे चीन में तस्करी की जा रही है। कोलकाता के वाडगंज थाना क्षेत्र के एक निवासी ने कुछ दिन पहले साइबर सेल को धोखाधड़ी की शिकायत की थी। कथित तौर पर व्हाट्सएप पर दोस्ती के जरिए पहली बार उसका विश्वास हासिल किया गया था। फिर उसे टेलीग्राम ऐप पर एक ग्रुप में जोड़ा गया। क्रिप्टो करेंसी में निवेश का ऑफर के बारे में कहा गया कि यह निवेश करेंगे तो ब्याज मिलेगा। दोस्त के कहने पर उन्होंने वहां करीब 69 लाख रुपए का निवेश किया, लेकिन कोई ब्याज नहीं मिला। यहां तक कि निवेश का पैसा भी वापस नहीं किया गया। जांच करने पर पुलिस को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला कलीम मिला और उसे दिल्ली के शाहीन बाग से गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि चुराए गए पैसे में से 4,10,000 रुपए UPI कोड पर भेजे गए थे और वह पैसा कई बैंक खातों में जाता है। बाकी पैसे को 4 क्रिप्टो वॉलेट के जरिए लॉडर किया गया है। जासूसों ने यह भी पुष्टि की है कि कुछ बटुए चीन के कुछ निवासियों के हैं। नतीजतन पुलिस को इसके पीछे शामिल अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के बारे में यकीन है। गिरोह के नेताओं को खोजने के लिए यदि आवश्यक हो तो इंटरपोल से संपर्क किया जा सकता है।